नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्जाम में कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये आपके 5 क्वेश्चन लाइफ चेंजिंग है। लाइफ चेंजिंग कैसे हैं दोस्तों, अगर आपका एक नंबर से कोई एग्ज़ाम रह जाता है तो आपको बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, और वही एक नंबर अगर आपका पूरा हो जाता है और आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो ऐसे सवाल हम करेंगे जो इंटरेस्टिंग भी हैं और थोड़ा दिमाग लगाने लायक भी सवाल है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहला सवाल दोस्तों आप देखिए, पहला सवाल लेते हैं। एक चींटी 3 मीटर चलती है, फिर 4 मीटर ऊंचे एक खंभे पर चढ़ती है, अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। बेहतरीन सवाल है, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, पूछा जाना निश्चित है। अगर चींटी की जगह कहीं चूहा आ गया तो ये मत कहिएगा कि सर ने तो चींटी बताया था, तो इतना सा माइंड यूज कर लीजिएगा बस। देखते हैं, एक चींटी 3 मीटर दोस्तों चलती है, 3 मीटर चली, 3 मीटर चली, और फिर क्या है, 4 मीटर एक ऊंचे खंभे पर चढ़ती है। यहां से चली 3 मीटर और ये आपका 4 मीटर, 4 मीटर क्या है, एक खंभा है, 4 मीटर का खंभा है। अब चींटी अपने मूल स्थान से यहां से और यहां तक कितना चली, आपको दूरी निकालनी है। तो अब देखेंगे, बहुत सारे दोस्त मेरे सोच रहे होंगे, बहुत सारे सोच सकते हैं कि अगर 3 में 4 जोड़ दो 7 मीटर चली, बस आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है यार, क्या है देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ से अगर जैसे मान लो लखनऊ से कानपुर जाना हो तो लखीमपुर होके जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। कानपुर से कोई ऐसा लखनऊ से रूट ढूंढेंगे, हम लोग ढूंढेंगे कि सीधे हम कानपुर पहुंच जाए, तो क्या है, हम सीधे दोस्तों जाएंगे, हम इधर ना आके ऐसे हम सीधे जाएंगे। और जैसे ही हम सीधे जाएंगे, ये वाला रूट पकड़ेंगे, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, वो राइट एंगल आपका समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज के लिए हमने एक थ्योरम पढ़ी है, प्रमेय पढ़ी है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार दोस्तों आपका ये कर्ण होता है, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। और हमने पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण मुझे निकालना है और मेरे पास लंब कितना दिया गया है, 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे यानी आधार का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा दोस्तों। कर्ण स्क्वायर बराबर 25 है तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5, और यूनिट क्या है, मीटर है दोस्तों, तो 5 मीटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था, शानदार सवाल था। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, तो सेकंड क्वेश्चन को दोस्तों देखेंगे हम लोग, क्या है, 101 फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 90, फिर 123, 79, 134 आपका क्वेश्चन है, सीरीज दी गई है। अब बताइए यहां क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा आपका अंक आएगा, कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे करेंगे दोस्तों, सीरीज क्या है, पहले बढ़ी फिर घट रही, फिर बढ़ रही फिर घट रही और फिर बढ़ रही है, तो कैसे करेंगे। ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं, शानदार तरीके से चीजों को समझेंगे और लास्ट में जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, लाइफ चेंजिंग वीडियो, एजुकेशन में एक धमाल मचाने वाली वीडियो आपको देता रहूंगा और हर रोज नोटिफिकेशन आप तक आएगी। दोस्तों क्या है, सीरीज बढ़ी है, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी। अब करना क्या है, देखना है इसमें प्रोसेस क्या चल रहा है। अगर मैं इससे क्या करूं, 101 है और 90, यहां से 123 है, प्रोसेस क्या करना है आपको, 101 से 90 पर जाना है। 101 से 90 कितना कम है, 11 कम है, माइनस हो रहा है। यहाँ से 90 से 79 गए, अल्टरनेट एक छोड़कर दूसरे पर, ये क्या है, 79 से आप 90 से 11 माइनस कीजिए, 79 आएगा, 79 आएगा। अब यहाँ से क्या करना है, अब देखिए ये आपका बचा 123 में दोस्तों 11 जोड़ देते, इधर मैंने घटाया है, इधर जोड़ेंगे, 123 में 11 जोड़ेंगे, 134 हो जाएगा।
तो बताइए यहां पर कौन सी संख्या आएगी जिसमें 11 जोड़ने पर 123 हो जाए, तो 123 से माइनस कर दीजिए 11, तो कौन सी संख्या आ जाएगी आपकी, दो लास्ट में है यानी 112 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, तो 112 यहां पर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, तो सवाल आपका सॉल्व हो गया। तीसरा सवाल देखते हैं, तो अगला दोस्तों तीन नंबर आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख बताना है आपको, वेन आरेख से आपका सवाल है, ऑप्शन आपके पास चार दिए गए हैं, क्या सवाल है, घोड़ा बंदर और बाघ, घोड़ा बंदर और बाघ किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों अगर आप NTPC RRB और या CHSL CGL लेखपाल वीडियो आदि कोई भी वन डे एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए A1 एजुकेशनल हब और जुड़िए हमारे माध्यम से, तैयारी कीजिए मैथ की बेहतरीन तैयारी के लिए। दोस्तों आपका एक पर्टिकुलर चैनल है, आपका इंडिविजुअल चैनल है दोस्तों, जिस पर सिर्फ मैथ पढ़ाई जाती है, तो दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आइए देखते हैं सवाल को, घोड़ा बंदर और बाघ ये किस प्रकार संबंधित हैं एक दूसरे से। दोस्तों घोड़ा भी जानवर है, बंदर भी जानवर है और बाघ भी जानवर है, तो इसमें से कौन सा वेन आरेख सही होगा, लेकिन घोड़ा और बंदर और बाघ के कोई भी रिलेशन नहीं बनता है, घोड़ा अलग है बंदर है, तीनों जानवर ही, लेकिन इनका रिलेशन कोई दूर दूर तक नहीं है, तो वेन आरेख कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, तो बेहतरीन आपके इसमें पूरे सवाल है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा वाच कीजिए, चौथा नंबर सवाल आपके सामने। तो अगला सवाल दोस्तों है आपका नेशन है फिर डॉट यानी आपका अनुपात ANTINO दिया है, फिर समानुपात यानी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो क्या है इनमें रिलेशन क्या है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आपका कौन से लेटर आएंगे वो आपको बताना है, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, तो आपको देख रहा है नेशन और एंटीनो में क्या संबंध है, ANTINO और नेशन में क्या संबंध क्या बन रहा है, तो NATION देखते हैं दोस्तों, एक तरफ हंगरी लिखते हैं HUNGRY, अब क्या करते हैं N का A हुआ है दोस्तों, N का क्या हुआ है, N की जगह A लिख दिया गया यानी बाद वाला लेटर, तो N की जगह A लिखा गया तो H की जगह क्या लिख देंगे, U लिख देंगे सबसे पहले, फिर A आपका है, A की जगह N लिख दिया गया यानी N की जगह A और A की जगह N, तो हमने H की जगह U और U की जगह H लिख देना है। अब क्या करना है, T है, T को T ही लिखा गया है सेम, तो N को N ही लिख दीजिए, सेम लिख दीजिए। अब क्या है, तीन लेटर आपके हो गए, I की जगह दोस्तों I की जगह क्या लिखा गया, I ही लिखा गया, तो G की जगह G ही लिख दीजिए, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट। अब आपका O है और O N N O यानी अपोजिट उलट दिया गया है, लास्ट के दो आपके जो लेटर है उनको उलट दिया गया, तो इसमें उलट देंगे तो Y और R हो जाएगा, U H N G Y R, G Y R इसी में बनना है आपका, U H N G Y R ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत शानदार सवाल था दोस्तों, अगला सवाल जिसका आपको इंतजार था, आपके कैलेंडर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला दोस्तों पांच नंबर आपका सवाल कैलेंडर से रिलेटेड सवाल है, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा, पूरा कैलेंडर का एक वीडियो आपको दूंगा, पूरा कैलेंडर समझाऊंगा ट्रिक से कैसे हम लोग दिन फाइंड करें, तो दोस्तों इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों क्या करेंगे इसमें, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो जनवरी में दिन कितने होते दोस्तों, 31 दिन की जनवरी होती, 31 दिन की होती है और 30 आपको 30 तारीख दी गई है, यानी अब जनवरी में कितने दिन बचे, एक दिन, पहले तो हम दिन काउंट कर लेते हैं, डे कितने बने आपके 30 जनवरी से 2 मार्च तक, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं, क्या है 30 जनवरी दोस्तों आ चुकी है तो जनवरी का दिन एक बचा, उसके बाद फरवरी आएगी, फरवरी में दिन कितने होते, 28 या 29 होते, 29 दिन लीप ईयर में होते और लीप ईयर दोस्तों 2013 है आपका, तो यह लीप ईयर नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? जो भी साल आपका जो भी ईयर चार से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो दोस्तों वो साल क्या होता है, लीप ईयर होता है। जैसे 2012 क्या है, लीप ईयर था, चार पंचे बीस और चार तिया बारह आपका क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। जैसे आपका उसके बाद 16 हो जाएगा, ये भी चार से डिवाइड हो जाएगा। फिर 2020 आपका लीप ईयर, ये भी डिवाइड हो जाएगा चार से। तो जो भी ईयर चार से डिवाइड होते हैं, फोर से, वो सारे लीप ईयर होते हैं। लेकिन 2013 तो लीप ईयर है नहीं, चार से डिवाइड नहीं होगा तो लीप ईयर है नहीं। तो लीप ईयर नहीं है तो फरवरी के कितने दिनों की होगी, 28 दिनों की होगी। क्लियर है यहाँ तक? अब कह रहा 2 मार्च, दोस्तों 2 मार्च यानी दो दिन और तो दिन कितने हो गए, 28, 2, 30 और एक 31 दिन हो गए। 31 दिन टोटल हो गए। अब 31 को 7 से भाग करते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 7 से भाग करते हैं 31 को। 7 से ही क्यों करते हैं, क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन रिपीट हो जाता है। यानी जैसे आज आपका गुरुवार है तो 7 दिन बाद आपका क्या होगा, 7 दिन बाद आपका फिर से गुरुवार आ जाएगा, तो इसीलिए 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28 बार, आपका 4 बार जाएगा 28 आएगा, तो यहाँ रिमाइंडर आपका 3 बचेगा, 28 3 31, यानी 3 आपका बचेगा रिमाइंडर। तो यहाँ जब पूरा चला गया तो आपका क्या हो जाएगा, 3 दिन पहले यानी आपका 28 तारीख को क्या रहा होगा, 28 तारीख को क्या रहा होगा, गुरुवार रहा होगा, 28 को गुरुवार रहा होगा। और 28 से जोड़ लीजिए 3 दिन 28, एक दिन बढ़ेगा तो आपका क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, फ्राइडे शुक्र आ जाएगा। और फिर एक दिन आपका बढ़ेगा, 3 दिन है ना, तो एक दिन बढ़ाया शुक्र और फिर शनिवार और फिर एक दिन बढ़ाएंगे तो आपका रविवार आ जाएगा, रविवार, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो रविवार आपका होगा किस तारीख को, 2 मार्च 2013 को रविवार रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग सवालों को देखते हैं और सवालों को देखते ही सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, कुछ नया लेकर के, कुछ नया कंटेंट, कुछ नया आपकी ट्रिक लेकर के। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।